माइक्रो फाइनेंस के बारे में बहुत खास बातें आज करने वाले हैं, जिससे आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि कितना ज्यादा बेनिफिट है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, राइट। नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कब और लाइसेंस कैसे, ये वाले इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, राइट। सेक्शन 8 के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 8 आपको एक ऑब्जेक्ट देता है जिसमें आप माइक्रो फाइनेंस डाल सकते हो। सेक्शन 8 में बहुत सारे टाइप्स की कंपनी होती है, लेकिन अगर माइक्रो फाइनेंस क्लॉज आपने अपने मेमोरेंडम में रखा है और उस क्लॉज में रखा हुआ है, तो आप माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। अब ये माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, जहां पर बहुत छोटे छोटे अमाउंट हम लोग लोन पे देते हैं, चाहे वो महिलाओं के ग्रुप को दें या फिर किसी व्यक्ति को एज ए पर्सनल लोन दे, या फिर जैसे घर बनाने या किसी चीज के लिए हम लोग लोन देते हैं, होम लोन नहीं, ड्वेलिंग लोन बोलते हैं, बहुत नॉमिनल अमाउंट का होता है, मैं उस पे आने वाला हूं। दूसरी चीज ये कि आरबीआई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे माइक्रो फाइनेंस चलाने से, क्योंकि ये सेक्शन 8 का लाइसेंस है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तो आरबीआई का इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन आरबीआई का इंटरफेरेंस नहीं है कैसे साबित होगा, आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है, वो मास्टर सर्कुलर में क्लियर बहुत सारे कंपनीज को एग्जेम्पशन मिला हुआ, जिसमें एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी है जो पहले सेक्शन 25 कंपनी थी और अभी सेक्शन 8 कंपनी कहलाती है, राइट। तो आरबीआई का भी छूट आपको मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस मिल गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का आपके पास में रजिस्ट्रेशन है, और एक चीज मैं बता दूं, यहां पर आपको पैसे जुगाड़ कैसे करने पड़ते हैं, पैसे जुगाड़ करने में भी दिक्कत नहीं, 200 शेयर होल्डर्स आप आराम से रख सकते हो, आपके डायरेक्टर्स के जरिए आप जितना चाहे उतना पैसा कंपनी में एज ए लोन ले सकते हो, इस चीज में भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन ले सकती है, 100% माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन ले सकती है, तो यहां पर भी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस प्रायोरिटी सेक्टर बिजनेस है। अच्छा, 50,000 रुपए तक आप इंडिविजुअल लोन दोगे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ड्वेलिंग लोन जो कि हाउस के लिए दे सकते हैं हम लोग गरीबों को, तो वो 1,25,000 रुपए तक, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इससे ज्यादा दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, लेकिन इतना देना आसान है, इतने देने में हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। क्यों स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि आरबीआई के नॉर्म्स मानकर चलेंगे अगर सेक्शन 8 कंपनी वाले, आरबीआई पिताजी आप बच्चे वैसे समझो, तो पिताजी की बात मानकर रहो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो सेक्शन 8 वाली है वो हमेशा बहुत अच्छी होती है आपको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें बड़ा कैपिटल की भी जरूरत नहीं होती है, 1,00,000 रुपए से भी आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज चैलेंज आता है जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, चैलेंज क्या है कि आपको ये ना लगे कि ये मैं घर पे बैठ के काम कर लूंगा, इसको प्रॉपर ऑफिस के जैसे रखना चाहिए, आपको ऑफिस रहेगा जिसमें लोग आएंगे, वहां पर डिसबर्समेंट होगा, पैसा जमा करेंगे। अच्छा, पैसा जमा करने लोग नहीं आते नॉर्मली, हमको जाना पड़ता है, क्योंकि जहां पर ग्रुप रहती है वहां पर जाकर पैसे कलेक्शन होते हैं। अगर आपने शॉप्स वगैरह को लोन दिया होगा इंडिविजुअल, तो हो सकता है कि आप वहां जाकर कलेक्शन करो, हो सकता है वो आकर दे आपके ऑफिस में, लेकिन नॉर्मली हमको जाकर ही कलेक्शन करना पड़ता है, तो यहाँ पे कलेक्शन चार्जेस भी होते हैं। और इंटरेस्ट कितना ले सकते हैं, आरबीआई के नॉर्म्स के अनुसार हम चलने वाले हैं। हमारे माइक्रो फाइनेंस के काफी सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हो रही है, आप लोग तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करते हो आपका एडमिशन हो सकता है, और आप जल्दी से जल्दी सीखकर अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड हेल्प हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।